नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल सेकंड। तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर, डॉक्यूमेंट्स से संबंधित एक वीडियो बनाइए कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। तो दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए आज 4 अगस्त है, तो अगली 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो लगभग आपके पास 1 महीना है। ठीक है, तो 1 महीने से पहले दोस्तों आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी उस समय जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो दोस्तों आपको समस्या हो सकती है उस समय। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, और ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी डाउनलोड किया है निदेशालय की साइट से, आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची। देखिए दोस्तों, ये रीट लेवल प्रथम के समय जो है जारी हुआ था, निदेशालय ने जारी किया था। और दोस्तों लेवल प्रथम में जो डॉक्यूमेंट चाहिए थी, सेम वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेवल सेकेंड में चाहिए। बस अंतर इतना है, वो लेवल प्रथम की भर्ती है और ये लेवल सेकेंड की, बाकी सेम टू सेम सब कुछ वही है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं मूल आवेदन पत्र। तो दोस्तों कौन सा मूल आवेदन पत्र जो आप आवेदन करेंगे अभी, वो चाहिए दोस्तों। ठीक है, मूल आवेदन पत्र। इसके अलावा घोषणा पत्र उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में, इसके अलावा शपथ पत्र चाहिए, और सेकेंडरी समक्ष की अंक तालिका यानी 10वीं की मार्कशीट, और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की मार्कशीट, इसके अलावा स्नातक यानी आपके ग्रेजुएट की मार्कशीट, जो भी आप बीए बीएसटीसी हो बीएसटीसी। तो दोस्तों ये फर्स्ट लेवल में लागू होगी, आपके यहाँ लागू होगी बीएड। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों ये मूल निवास एकदम नया होना चाहिए, फोटो युक्त, डिजिटल टाइप में यानी फोटो वाला होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यह है जाति प्रमाण पत्र। इसमें दोस्तों जो जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा के अलावा जो भी बसते हैं वर्ग, उन सब का जाति प्रमाण पत्र दोस्तों एकदम नया होना चाहिए। ऐसा समझ लो 2018 का होना चाहिए, 2017 से लेकर 2018 का होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी है एसटी एससी, उनका भी दोस्तों फोटो युक्त होना चाहिए डिजिटल, लेकिन उनका पुराना चल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो वर्ग बसते हैं उनका नया होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और इसके अलावा 10वां शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। तो ये उसके बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं 11वें नंबर पर, विधवा की स्थिति में अगर आप विधवा है तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र होना चाहिए तो। ठीक है, एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, ठीक है, दोनों चाहिए। और अगर आप तलाक है, तलाकशुदा है, तो तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय डिग्री की प्रमाणता पत्र, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है तलाक का, वो चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी प्रतियोगी पात्रता परीक्षा में वंचित किए जाने नहीं किए जाने संबंधी स्वघोषणा, ठीक है। और इसके अलावा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर आप विवाहित है तो उसको आपको जो है शपथ पत्र देना होगा, अगर नहीं है तब भी देना होगा। ठीक है, और इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र, और भूतपूर्व सैनिक संबंधी सक्षम स्तर से जारी दस्तावेज, संतान संबंधी शपथ पत्र। ठीक है, विवाह के समय दहेज स्वीकार करने नहीं करने संबंधी स्वघोषणा, यानी दोस्तों एक तरह का आपको शपथ पत्र ये भी चाहिए, और पहचान संबंधी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति। ठीक है, और इसके अलावा RTET 2011-12 दोस्तों यानी आपका जो रीट का प्रमाण पत्र वो चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान नहीं करने संबंधी स्वघोषणा, ये दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, अन्य कोई दस्तावेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। और इसके अलावा दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई बोलेगा कि ये भी चाहिए तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, बस यही होनी चाहिए जो इसमें दे रखा है ना, बस यही होनी चाहिए आपके पास। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में मान लो जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की है या बीएड की है, तो दोस्तों इन सब में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम सेम होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें दोस्तों आपके लिए समस्या हो सकती है, तो आपको पहले से ही ठीक करवा लेना चाहिए दोस्तों, अभी भी आपके पास 1 महीना है। ठीक है,
अगर आप ठीक नहीं कर पाते हो तो दोस्तों आपके लिए समस्या हो सकती है। अगर छोटी सी प्रॉब्लम है कोई मीनिंग की, अक्षर की वगैरह की, तो आपको शपथ पत्र लगाना होगा अगर आप ठीक नहीं करवाते हो। तो उसके बाद भी दोस्तों मैं नहीं कह सकता कि क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसलिए दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम है नाम में, मान लो आपकी स्नातक में, ग्रेजुएट की डिग्री में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जहाँ से आपने आपको ये डिग्री मिली है वहाँ जाकर आप ठीक करवा सकते हैं। यानी सेम नाम होना चाहिए सभी में, कौन कौन सी में, स्पेशली सेकेंडरी, 12वीं, ग्रेजुएशन, और यहाँ जो आपने बीएड की है, सभी में सेम नाम होना चाहिए। आपका नाम, पिता का नाम या माता का नाम सेम होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। और दोस्तों अभी आपके पास लगभग मान के चलिए 1 महीना है, 1 महीने बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आपके पास दोस्तों 1 महीने का समय है, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात रही कल से जो आवेदन होगी, दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो जिसके भी 60% से ज़्यादा है वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।